बहुत बार जब कोई पिक्चर रिलीज होती है तो तुमने भी इंटरनेट पे देखा होगा कि हाईएस्ट रेटेड मूवी एवर आईएमडीबी पे 9.9 रेटिंग है, रॉटन टोमेटोस पे 100% स्कोर आया। मैं बिलीव नहीं करता क्योंकि उसमें से कई बार वो सिर्फ मार्केटिंग गिमिक होता है, स्टार्टिंग में अच्छे रेटिंग दिए जाते हैं ताकि लोग उल्लू बन जाएं। ऐसे कुछ हुआ आज रिलीज हुई पिक्चर डून 2 के साथ। मैं पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो था पिक्चर के लिए, बट जब ऐसे रेटिंग्स आने लगे 90% 95% तो थोड़ा तक होने लगा कि फिर से कहीं काटा तो नहीं जाएगा। Nope, movie is damn impressive। एकदम जो कड़क वाली मूवीज होती है ना उसमें भी एक्स्ट्रा कड़क, दिल गदगद कर दिया। ड्यून 2 की तारीफ में सबसे बड़ा प्रेज अगर इसको मैं कुछ दे सकता हूँ, साल भर में ले देके 50 या उससे ज्यादा मूवीज देखनी पड़ जाती हैं, और इनमें से एकदम कुछ ही होते हैं रेयरली जो याद दिलाते हैं कि क्यों मूवीज देखना पसंद है और हर हफ्ते क्यों इतना लंबा ट्रैवल करके जाता हूँ मैं। वीडियो बना के पैसे कमाने वाली बात सेकेंडरी है, लेकिन जो एंजॉयमेंट, सुख मन का, दिल का, थोड़े टाइम ही नसीब होता है और ये ड्यून 2 ने वो प्रोवाइड किया। 2024 को सिर्फ 2 महीने हुए तो ये बोलना शायद जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ड्यून 2 इस साल की अल्टीमेट सिनेमैटिक थिएटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसको अगर सिनेमा हॉल में नहीं देखा ना तो सिनेमा हॉल बनाए क्यों है। ये उन मूवीज में से जो आज से 2-3-4 साल बाद तुम अपने टीवी या लैपटॉप पे देखोगे और रिग्रेट करोगे कि मैंने इसको थिएटर में क्यों नहीं देखा। क्यों, कैसे? दो सिंपल रीजन है। पहला, जो तुमको दिखाई देता है ऐसी क्वालिटी के पिक्चर्स फ्रेम्स मेरी आंखों के सामने रखे ना कि मेरा ब्लिंक करने का मन नहीं कर रहा था। यूजुअली चश्मा पहन के देखता हूँ ब्लू लाइट के लिए, लेकिन इस बार नहीं, बीच में कुछ नहीं चाहिए मेरे को। यहाँ पर मैं दिखाए हुए फ्रेम के सिर्फ खूबसूरत होने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी है। कईयों के स्क्रीनशॉट लेकर तुम पीछे दीवार पे वॉलपेपर लगा सकते हो, इतने बढ़िया। लेकिन अगर चीज सिर्फ दिखने में खूबसूरत है, उसके पीछे कोई मीनिंग डिलीवर नहीं हो रहा, तो ये तुम्हारे क्रश वाली बात हो गई। थोड़ा पर्सनल हो गया क्या? मूवी के डायरेक्टर डेनी विलनव का फैन मैं तब से हो गया था जब मैंने इनकी अराइवल देखी थी, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि इस पिक्चर के लिए मैं एक्साइटेड था। और इनका डायरेक्शन इस पिक्चर में भी इतना कमाल का है कि एकदम हाई स्टैंडर्ड वाले उस ब्यूटीफुल फ्रेम के अंदर उतना ही हाई मीनिंग का सब्सटेंस भर देता है। कोई भी रिसेंट वाली ठीक ठाक पिक्चर उठा के देखोगे तो एक चीज नोटिस होगी, जो डायरेक्टर्स अपने काम को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते वो कवरेज शूट करते हैं। एक सीन को मल्टीपल कैमरास लगा के सब रिकॉर्ड कर लो और फिर बात बात पे हर 2 सेकंड में कट करके दूसरे शॉट दिखाओ ताकि तुम्हारा अटेंशन बना रहे। ये बात ड्यून 2 देखने के बीच में ही मुझे हिट होती है कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा इनएक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर होता तो जरूर किसी को-स्टार का रिएक्शन शॉट डाल देता। एग्जांपल के लिए मूवी का मेन कैरेक्टर प्लेड बाय टिमोथी शैलेमे, जब वो पहली बार सैंडवर्म को राइड करने जाता है, एक बार वो नीचे गिरा तो पूरा टाइम हम लोग उसी के साथ हैं, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, एक के बाद एक रेती के पहाड़ उसके ऊपर गिरते जा रहे हैं, हम लोग वही देख रहे हैं कंटिन्यूअसली। और ये सब्सटेंस वाली बात से याद है कि तुम में से शायद कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा कौन सी पिक्चर है, क्या बात कर रहा हूं। तो जैसा नेम है ड्यून पार्ट 2, कुछ सालों पहले ड्यून आई थी, उसका सीक्वल आई है। सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बताना हो तो स्पेस के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स प्लस स्टार वॉर्स चल रहा है, लेकिन ये दोनों ही ड्यून से इंस्पायर्ड होकर बनी है। स्टोरी का मेन कैरेक्टर पॉल एक काफी जाने माने और रिस्पेक्टेड क्लैन का वारिस है, बाप को मार दिया, पूरा राज्य खत्म कर दिया, ये और इसकी माँ जिंदा है, बचते बचाते अनजान लोगों के बीच में रह रहे हैं, उन्हीं के साथ घुल मिल के आर्मी खड़ी करनी और बदला लेना है। लेकिन क्योंकि ये कहानी आज से काफी हजारों साल बाद हो रही है तो हम लोग कुछ एडवांस्ड चीजें देखते हैं, और एक पूरा रेगिस्तान से भरा हुआ प्लेनेट इसका एपिसेंटर है, तो वहां का कल्चर छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान देकर अपने सामने रखा है, उसके अंदर पॉलिटिक्स मिला दो तो शुरुआत से लेकर पिक्चर खत्म होने तक ये इंटरेस्ट एकदम बनाए रखती है। और क्योंकि अभी तक हम लोग खूबसूरत दिखने वाली चीजों की बात कर रहे हैं, तो एक्टर्स का परफॉर्मेंस, टीम भैया जब लोगों से भरी हुई सभा को कमांड करेंगे गूज़बम्प्स, आर्मी के सामने जाके चिल्ला रहे हैं गूज़बम्प्स, एम्परर के सामने सिर्फ हाथ ऐसा उठाया गूज़बम्प्स, क्वाइट सीन से लेके एकदम हेवी ब्रीदिंग करने का जो पैटर्न सुनाया है एकदम मस्त, और उतना ही मस्त काम ज़ेंडेया का था पार्ट 3 में, उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। और इस पिक्चर में बहुत एक्साइटमेंट हुई रेबेका फर्गसन को देखकर, दवेशी कमांड्स प्लीज कमांड मी। लेकिन अगर तुम वीडियो में ध्यान दे रहे हो तो अभी तक मैं सिर्फ एक ही पॉइंट की बात कर रहा था, इंट्रो में बोला ना कि पिक्चर एकदम कमाल की, उसके पीछे दो रीजन, तो दूसरा रीजन है इसका साउंड, कंप्लीटली ब्लोन अवे, दिमाग उड़ चुका है मेरा सुन के, इतना गजब, गॉड टियर भाई। जितना मुझे याद है मेमोरी मेरी इंटैक्ट है, दिस इज लाइक दी बेस्ट साउंड के मामले में आज तो कोई भी पिक्चर मैंने थिएटर में देखी हो, लाइक इट्स दैट इनक्रेडिबल। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए तुमको पिक्चर थिएटर में देखनी है, क्योंकि जब वो बेस फील होगा, कुर्सी
के साथ साथ तुम्हारा शर्ट भी हिलेगा बात बात पे। ऐसा नहीं है कि केजीएफ 2 की तरह 100% लाउड म्यूजिक चला रहे, नहीं। इतना छोटू सा डिवाइस जो ऊपर नीचे जा रहा है उसके साउंड से लेकर जो बड़े से बड़े सैंड वर्म है, ऐसी चीजों को क्रिएट करने से लेकर पिक्चर के अंदर इतना परफेक्टली मिक्स करना काफी टेक्निकल जॉब है। साउंड इंजीनियरिंग ऐसे ही नहीं कहते, और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने टॉप तक पिक्चर को लेके जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल। शायद कोई मेडिकल टर्म होगा इस चीज को, जब तुम कुछ बहुत ज्यादा इमोशनल या फिर माइंड को स्टिमुलेट करने वाली चीज एक्सपीरियंस करते हो ना, तो आंखों में थोड़ा आंसू आ जाता है गूज़बम्स के साथ, और वो इस पिक्चर में फील हुआ मुझे मल्टीपल टाइम्स। इस सब के अंदर ऐड कर दो तुम हांस ज़िमर का म्यूजिक, बंदा अभी से पार्ट 3 के काम पे लग चुका है। तो इसीलिए कुछ भी हो जाए ट्राई करना कि इस मूवी को जितना हो सके उतने अच्छे वाले थिएटर में देखो। लेकिन जाने से पहले कुछ टिप्स और कुछ इश्यूज, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी होने के बाद भी परफेक्ट नहीं है। सबसे पहला कि जो टाइम पासिंग का फील है वो कहीं कहीं जगहों पे थोड़ा ऑड लगता है कि एक झटके में महीनों निकल गए। अभी संडे है बोल रही है कि मैं सब छोड़ के जा रही हूँ, और दो ही सीन के बाद वो वापस वहीं पे खड़ी है। क्लाइमैक्स में जो एकदम अल्टीमेट लेवल का बैटल तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो दिखेगा जरूर, लेकिन देखने के बाद दिल कहेगा कि काश थोड़ा और लंबा होता। 2 घंटा 40 मिनट की पिक्चर है, बट एक्शन में उसको और बढ़ाया जा सकता था। डायरेक्टर का कॉल था बड़ा एक्शन दिखाने के बदले दो लोगों के बीच में छुरे चल रहे, उसको काफी ध्यान से फोकस किया। दिल की धड़कन एकदम धक 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 कर रही थी, लेकिन फिर भी बड़ा वाला एक्शन थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। और एक एम्परर वाली बात आ जाती है कि तुम जब सोचते हो इतना बड़ा एम्पायर और उसके टॉप पे बैठा हुआ इंसान आ रहा है, हो गया बस। मेरे साथ गए लौंडों को आइडिया भी नहीं कि वो कौन था, जब बाद में बताया तो शॉक भी हो गया कि हैं। इसी से कनेक्टेड एडवाइस वाली बात हो जाएगी कि इसको डायरेक्टली देखने मत चले जाना, पहले ड्यून 1 देखना है। वो मूवी जहां खत्म होती है उसी के नेक्स्ट सीन से इसकी शुरुआत है, और तुमने ड्यून 1 देख लिया थिएटर में जाने से पहले दुनिया और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पहले से जान के जाओगे यूट्यूब पे यहां वहां वीडियोस देखकर, तो और बेटर रहेगा। मैंने इसको हिंदी में देखा और वो सरप्राइजिंगली अच्छा था। क्यों देखना पड़ा? क्योंकि इसको रिलीज करने वाले स्टूडियोज वार्नर ब्रदर्स के सस्ते नशे। सेंस बनाना थोड़ा मुश्किल है कि इतनी अच्छी पिक्चर उसको मार्केट करना तो छोड़ दो, तुम थिएटर में लगा भी नहीं रहे। मेरे शहर में यूजुअली मूवीज लग जाती है, नहीं लगी है। 1 घंटे दूर जो PVR आईनॉक्स है वहां पर भी दिन के 3-3 शोज दिए बस, जिसमें से इंग्लिश बाद में हिंदी पहले। तो इसलिए पहले देख लेना कि तुम्हारे आसपास भी है कि नहीं। मैं तो प्लान कर रहा है इसको IMAX में देखने का।